इफ यू हैव जीरो इनकम, आर यू रिक्वायर्ड टू फाइल आईटीआर? आपकी जीरो इनकम है क्या, आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत है? देखिए, इसका आंसर यस है कई तरीकों से। पहला, अगर आपको लोन लेना है कल को, मान लीजिए आपकी आईटीआर जीरो है लेकिन आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, एंसेस्ट्रल पैसा पड़ा हुआ है, आपका पैसा पड़ा हुआ है, आपने रिटायरमेंट पे पैसा लिया था, आज आपकी इनकम जीरो है, तो आपने कहीं इन्वेस्ट करा होगा। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आपने 50 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट्स बनवाए हैं सेविंग अकाउंट में, तो आपको आईटीआर बनना ज़रूरी है। 1 करोड़ से ज़्यादा करंट अकाउंट में बनाए हैं तो आपको डिपॉजिट लेना ज़रूरी है। तीसरा, अगर आपने म्यूचुअल फंड वगैरह में किसी में भी इन्वेस्ट किया है तो आपको KYC कराने के लिए आपको आईटीआर बनना ज़रूरी है। अगर आपको वीज़ा चाहिए तो आपको आईटीआर बनना ज़रूरी है। हर वीज़ा डॉक्यूमेंट के लिए आईटीआर, इनकम पिटिशन जैसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पांचवा, अगर आपको किसी भी तरह का मेजर एक्सपेंस करना है, लेट से हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी है, लेट से आपको कल को कोई डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, तो आईटीआर इज द बेसिक डॉक्यूमेंट यू हैव टू हैव फॉर ऑब्टेनिंग दीज ऑल दीज थिंग्स। सो इन केस अगर आप आईटीआर नहीं भरते हैं, आप आईटीआर भरिए। इसके अलावा देखिए, 2.5 लाख से नीचे ही, 2.5 लाख ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख से नीचे ही अगर आपकी इनकम है विदाउट एनी डिडक्शंस, विदाउट एनी थिंग सेट ऑफ लॉसेस, तो ही आपको आईटीआर भरना मैंडेटरी नहीं है। न्यू रिजीम में ये लिमिट 3 लाख रुपए, मतलब 3 लाख के ऊपर आपकी इनकम है तो आपको आईटीआर भरना मैंडेटरी है। डिडक्शंस हैं कोई बात नहीं, नील की भर दीजिए, बिना टैक्स के भर दीजिए, पर आईटीआर भरनी आपको ज़रूरी है। तो 2.5 लाख ओल्ड रिजीम में, 3 लाख न्यू रिजीम में। अगर इसके अलावा भी आप आईटीआर नहीं भरते हैं, सरकार आपको इनकम की कुछ नहीं कहेगी, लेकिन होता क्या है, अब कोई भी रिटर्न बैकडेटेड नहीं भरी जा सकती अगर आपने टैक्स नहीं भरा है। आईटीआर यू भी विद टैक्स ही भरी जाएगी अगर आपको बैकडेटेड रिटर्न भरनी भी है तो, अदरवाइज आपको बैक रिटर्न नहीं भरी जाएगी, आपका चैनल ब्रेक हो जाएगा। इसलिए हो सके तो आप नील की आईटीआर भर लीजिए, पर आईटीआर भरिए जरूर। थैंक यू। एंड इस इन्फॉर्मेशन के साथ साथ अगर आपको टॉपिक पसंद आए तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड नमस्कार।